दोस्तों रगड़ा तो आपने बहुत खाया होगा, पर कभी आपने इंडिया के ईस्ट रीजन की घुगनी खाई है? जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वही सीक्रेट घुगनी की रेसिपी। हाय दोस्तों, मेरा नाम काजी है, आपका स्वागत है मेरे चैनल काजी डाइन में। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन कॉन्टेंट मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। चलिए देखते हैं कैसा बनता है। तो इसके लिए आपको 250 ग्राम सफ़ेद मटर या बटाना लेना है। इसको 6 घंटे भिगो के रखना है। इसके बाद आप इसमें आधा चम्मच खाने का सोडा, आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच नमक देके इसको प्रेशर कुकर या नॉर्मल बर्तन में 70% तक गला लें। और इसकी कंसिस्टेंसी मैंने गाढ़ी रखी है, आपको चाहिए तो इसमें पानी डाल के और पतला कर सकते हैं। अब पैन में 2 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सूखा धनिया डाल के लो फ्लेम या हीट में इसको ड्राई रोस्ट करना है। बीच बीच में थोड़ा सा हिलाते रहें ताकि ये जल ना जाए। जब ये ब्राउन हो जाए और खुशबू आने लगे तो एक प्लेट में फैला के ठंडा होने के लिए रख दें। इसको एक साथ मत रखिए, नहीं तो ये अपनी गर्मी से और ज़्यादा रोस्ट होकर जलने की संभावना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको दरदरा पीस लें। अब जो बॉयल मटर है उसमें हम डालेंगे 2-3 बारीक कटा प्याज, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, 7-8 बारीक कटी हरी मिर्च, इसको आपको जितना स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्वाद अनुसार काला नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 4-5 चम्मच नींबू का रस, हमारा भुना जीरे धनिया का पाउडर, बारीक कटी धनिया पत्ती, ये ऑप्शनल है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिला लें। तैयार है हमारा गर्मा गर्म घुगनी। इसको गर्मा गर्म ही सर्व करें क्योंकि ये गर्म ही अच्छी लगती है। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट।